By day.
तेनाली के चक्कर का कोई आ गया और मतलब कोई खलबली मचा के रख दी दरबार में, तेनाली की जिंदगी में भी क्या कहेंगे। रामा के टक्कर का तो कोई आ गया, लेकिन रामा खुद कहाँ है? मैं तो भास्कर हूँ, रामा तो पता ही नहीं ना अभी कहाँ है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो टक्कर देने आई है वो बहुत बड़ी पहाड़ है, और उसके सामने ये जो भास्कर है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रामा जितनी बुद्धि ना भास्कर में है ना किसी और में उसके घर में। तो प्रॉब्लम ये है कि भास्कर जिसमें इतनी सी भी अकल बुद्धि या उतनी इंटेलिजेंस नहीं है जितनी कि रामा में हुआ करती थी, उसको ऐसे किसी के सामने खड़ा कर दिया गया है जो ऐसे ऐसे पहेली पूछती है जिसका आंसर भलते भलते आंसर्स होते हैं, कोई आइडिया नहीं है इसको। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है भास्कर के लिए कि वो रामा बन के आ तो गया है लेकिन आंसर कहाँ से लाएगा, और जो आंसर क्वेश्चन पूछने के लिए आई हैं वो खुद बहुत बड़ी विद्वान है। पहेली के लिए सांप लेके आए थे लेकिन उसी ने पूरा हंगामा मचा दिया दरबार में, किससे बचे हैं? ये एक्चुअली उल्टा हुआ, मैं तो कुछ और ही आंसर बना कर ले आया था, एक्चुअल आंसर नहीं लाया था, और सांप धनी मनी लेकर आया था। मैंने उसका फ़ायदा उठाया, देखा कि सांप है, उसको देखकर मुझे आइडिया कि यही आंसर होगा, और मैंने उसको अपने फेवर में यूज़ कर लिया। रामा जितनी बुद्धि नहीं है लेकिन इसको मैनिपुलेट करना आता है भास्कर को, तो भास्कर बहुत ही ह्यूमन वे में चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल लेता है। आठ पहेलियाँ, यस आठ पहेलियाँ ये पूछने वाली हैं मैडम देवयानी राजकुमारी। आठ पहेलियों का उत्तर मैं कैसे ढूंढूंगा पता नहीं, टक्कल पहन के घूम रहा हूँ, मेरे तो बाल हैं, एक्चुअली मैं भास्कर हूँ तो मेरे बाल हैं, मैं टक्कल लगाया हुआ है मैंने अभी, और इस चक्कर में मेरे असली बाल ना गिर जाएं, इस डर के साथ मैं सारी पहेलियाँ सॉल्व कर रहा हूँ। पानी पी लें, एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा मैं ऊपर मतलब भास्कर रामा के साथ, भास्कर के साथ साथ दरबार वालों को भी मुश्किलें बढ़ा दी है देवयानी ने, कितनी पहेलियाँ सोचिए देव, कितनी मुश्किलें बढ़ा रही है। ये जो राजकुमारी है ये आई है इसलिए क्योंकि इनके पास बहुत पहेलियों का भंडार है, और जिस तरह से ये शो आपने देखा होगा कि तेनाली रामा जी जो हैं अभी जो भास्कर हो चुके हैं वो एक बुद्धिजीवी, मतलब जो कहते हैं ना बुद्धिमान विद्वान, बहुत सारी पहेलियाँ बूझने वाली वाले इंसान है वो, तो उससे ऊपर एक ये प्रिंसेस है देवयानी करके, एंड उनके पास पहेलियों का इतना भंडार है कि, और उनको लगता है कि उनकी पहेलियों का उत्तर शायद ही कोई दे पाए, और शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि तेनाली रामा जी भी उनके उत्तर को अच्छी तरह से बताएं। तो जी हाँ, उनके पास पहेलियों का भंडार है, मैं बहुत सारी पहेलियाँ लेकर आई हूँ, और शायद आपको भी हेल्प करेगा एज अ व्यूअर कि आप भी इसका उत्तर ढूंढिए और सुलझाते रहिए हर एपिसोड में, सो इट्स फन, क्वाइट फन। जाते जाते कितनी, कौन सी पहेली देकर गई है रामा भास्कर को? राजकुमारी देवयानी ने रामा कृष्णा जी को हर एक दिन की चुनौती दी है, उन्होंने हर एक दिन वो एक एक पहेली पूछेंगी। तो राजकुमारी देवयानी ने रामा जी को ये चैलेंज दिया है कि वो हर एक दिन एक एक पहेली पूछेंगी जिसका उत्तर वो नेक्स्ट डे समय समाप्त होने से पूर्व ही देंगे। तो जी हाँ, उनके पास कुछ पहेलियाँ हैं जो जिनका उत्तर अगर रामा जी ने दे दिया तो शायद विजयनगर बच जाए।